प्रदेश के मुरादाबाद की तहसील बिलारी में तैनात लेखपाल कुलदीप सक्सेना को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद की तहसील बिलारी के गांव सफीपुर निवासी इशाक और शमशुल कमर ने कुछ दिन पूर्व शेखपाल कुलदीप सक्सेना से गांव में ही लगभग 1.5 बीघे जमीन पर पड़ोसी द्वारा कब्जे की शिकायत की थी। आरोप है कि लेखपाल ने इशाक व शमशुल कमर को कब्जा हटवाने के बदले में 5,000 रुपए की रिश्वत एक अधिकारी के नाम पर मांगी थी। शिकायतकर्ता ने लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम को सूचना दी, जिस पर आज एंटी करप्शन टीम ने शिकायतकर्ता को 5,000 रुपए के नोटों पर केमिकल लगाकर लेखपाल के पास भेजा। लेखपाल उस समय तहसील के सामने एक होटल पर खाना खा रहा था, तभी शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन टीम के इशारे पर उसे पैसे दे दिए। लेखपाल द्वारा पैसे लेते ही एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया और 5,000 रुपए की राशि उससे बरामद कर ली। टीम आरोपी लेखपाल को लेकर कोतवाली बिलारी लेकर पहुंची। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल के खिलाफ बिलारी कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है। मैं साहब अपने खेत में बना रहा जगह, करो पूरा सनी। फिर क्या हुआ? मैं जगह बना रहा तो पटवारी साहब को पहुंच गए, दूसरी पार्टी ना कह रही है हम मत बना, यहाँ ग्राम समाज है। मैं नौकरी में लिख के दे दे तू तहसील को, तहसीलदार मालिक है और प्रधान मालिक है, कहानी कोई पटवारी मालिक है, मुझे मेरी चक पूरा कर दे। क्या नाम पटवारी का? हाँ पटवारी का नाम क्या? पटवारी का कुलदीप। आज आज की घटना बताओ क्या हुई थी, आज क्या हुआ था आपके साथ? आज कितने पैसे मांगे हमसे? 10,000 रुपये मांगे कुलदीप ने। हाँ दे दिए? नहीं साहब, 2,000 रुपये पहले दे दिए, 5,000 रुपये आज। चलो बंदा आजाद नाम संगठन इकाई ने शिकायत की थी कि उसके गांव में लेखपाल कुलदीप सक्सेना वो उनसे चक्रोड़ और खाल के कटरों से कब्जा हटवाने और पैमाइश कराने और अग्रिम कार्रवाई कराने के लिए 5,000 रुपये की मांग कर रहा है। इस मामले की जांच हमने अपनी रूप से कराई तो लेखपाल की ख्याति उस तरह की पाई गई और आज हम लोगों ने इस लेखपाल को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये रिश्वत के लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी इन अग्रिम इसके खिलाफ भी हम मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया था? तहसील बिलारी के सामने चाय की दुकान। सर ऐसा कोई मामला पहले भी कोई प्रकाश में आया था? ऐसा मामला कोई पहले भी प्रकाश में आया था तहसील का? तहसील का नहीं, ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं है। हाँ नहीं, शिकायत करने के पश्चात हम लोग गोपनीय रूप से जो हमारा तरीका है वो गोपनीय रूप से उसकी जांच कराते हैं, लेखपाल और शिकायतकर्ता के अभिलेख भी देखते हैं कि क्या है और क्या शिकायत वास्तव में इसने किया है और इसकी शिकायत जायज़ है कि नहीं और उसके पास इसका कोई काम पेंडिंग है कि नहीं और ये सब जो है इसकी और इसकी लेखपाल की खाति इस तरह की है कि नहीं, ये सब जो है हम लोग जानकारी करते हैं और उसी आधार पर ये पाया गया कि शिकायतकर्ता की शिकायत में सच्चाई थी और उसी आधार पर कार्रवाई की। कितने रुपए की मांग करी थी उन्होंने? हाँ लेखपाल द्वारा, लेखपाल कुलदीप द्वारा 5,000 रुपये। इदरीस रफैयार नसीर व बशीर और उसके भाइयों ने चकमार नंबर गाड़ा संख्या 313 व खाते गड्ढे गाड़ा संख्या 306 पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसकी हमने पैमाइश संबंध में मंगल दिवस में एप्लीकेशन दी थी, जिस पर उपरांत पैमाइश करने नहीं गए लेखपाल। उसके बाद हमने जिला उप जिलाधिकारी महोदय बिलारी को 14/8/2019 को प्रार्थना पत्र दिया, उसके उपलक्ष्य में भी नापतोल नहीं करने गया। हमसे कहता है कि 5,000 रुपये दो तो मैं घूर के। आज की घटना क्या है? आज की घटना उसने हमें 5,000 रुपये लेकर बुलाया था, जब 5,000 रुपये दो और हमें घूर कर। किसने बुलाया था? कुलदीप लेखपाल ने। कौन सा तहसील गई बिलारी? तो फिर क्या हुआ उसके उपरांत? हमने एंटी करप्शन से कल मिले और संबंध में हमने तो कहाँ पकड़े गए? ये पकड़े गए थे बालाजी के बराबर में होटल है उस वहाँ। पैसे देते हुए पकड़े? पैसे देते हुए रंगे हाथ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।